हुई रोशन सभी गलियां, हुई रोशन सभी गलियां, मेरे सरकार आए हैं, सजा लो घर को गुलशन सा, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, सजा लो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, और मेरी सरकार मीन्स मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे श्री राम जी, जिनके बिना कभी कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। बच्चों, आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है। हम किसी और की बात न करते हुए हम केवल अपनी बात करेंगे कि जो आंखें बरसों से सूनी थीं, तरस रही थीं उस घड़ी, उस बेला को देखने के लिए, जिसके लिए शायद ये जन्म आज सार्थक हो गया। मुझे याद है जब एक बार मैं अयोध्या गया था, और फिर मतलब संगीनों के साय में हमें गुजारा जा रहा था, और फिर कुछ देर बाद हमने देखा कि एक तिरपाल के नीचे, बच्चों, एक तिरपाल के नीचे हमारे वो राम जी पड़े हुए थे, जो राम जी हमारे इस पूरे देश के कर्णधार हैं, जिन पर सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था टिकी हुई है, जिनके लिए सैकड़ों करोड़ हिंदू अपनी कुर्बानी दे सकते हैं। बच्चों, वो भगवान, वो श्री राम जी हमारे एक त्रिपाल में पड़े हुए थे, और तब से ये आंखें हमेशा, ये दिल हमेशा चाहता था कि कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब लोग महलों में जब रहते हैं तो वो एक बार नहीं सोचते हैं, और राम जी को उन्होंने त्रिपाल के नीचे छोड़ा हुआ है, तो कब वो दिन आएगा जब राम जी हमारे एक ऐसे स्थान पर विराजमान होंगे जो सबसे ऊंचा होगा। और आज का दिन, वो ऐतिहासिक दिन, वो हमारे लिए महान महान दिन, वो आज हमारे सामने है कि आज श्री राम जी हमारे विराजमान हो गए, उन्होंने अपना स्थान पा लिया। लोगों ने अपना स्थान कब का बना लिया था, लेकिन जिनके लिए वो स्थान होना चाहिए था वो आज तक बेचारे वनवास की जिंदगी जी रहे थे, और आज जाकर के उन्हें उनका स्थान मिल गया। आज वो सारी तमन्नाएं पूरी हो गई। बच्चों, अभी जिंदगी रहे ना रहे, क्या हो क्या ना हो, लेकिन जो एक आस्था है, जो एक विश्वास है, वो आज मजबूत हुआ कि जो हमारे कर्णधार हैं, जो हमारे आधार हैं, जो हमारे आराध्य हैं, अब हम उनकी आराम से पूजा कर सकते हैं, उनको आराधना कर सकते हैं उस स्थान पे जाकर के जो उनकी जन्म स्थली है। आज ये दिल जो है इतना खुश है, जब वो पूजन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली वास्तव में हमारी उस दिन नवंबर अक्टूबर में ना आकर के शायद आज ही चल रही हो, आज ही वो दिन हो, आज ही वो खुशी का दिन हो जब हम सारी चीजें क्या कर रहे हो, आज प्राप्त कर रहे हो। बच्चों, जितने भी सच्चे भारतीय हैं उन सभी के लिए आज का दिन क्या है, गौरवमय है। बच्चों, आज के दिन से बेहतर कोई दिन उनके लिए नहीं हो सकता है। मैं फिर कहूंगा, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कोई क्या सोचता है, हम अपने धर्म की आराधना करते हैं, अपने धर्म की पूजा करते हैं, और उस धर्म के जो आधार बिंदु हैं, जो कर्णधार हैं, वो श्री राम जी हैं। तो हम उनके बिना अधूरे थे, आज हम क्या हो गए, पूरे हो गए, क्योंकि उन्हें उनका उच्च स्थान, वो स्थान प्राप्त हो गया जिसके वो बरसों ही नहीं बल्कि सदियों से क्या थे, हकदार थे। और ये श्रेय जिनको जाता है बच्चों, वो आप देख रहे होंगे, ये जो पीछे से झांक रहे हैं बच्चों, उनको जाता है जहां से इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, और आज वो आंदोलन यहां से होते हुए इन्होंने उसे स्थान दिया, और फिर इनको, इनके हाथों आज ये हमारे राम जी का मंदिर जो है आगे हमारे सामने होगा। बच्चों, ये सिर्फ आस्था है, एक विश्वास है, किसी और की आस्था को ठेस न पहुंचाते हुए बस हम इतना कहना चाहते हैं कि हमारी भी एक आस्था है, एक मान्यता है, हम भी चाहते हैं जैसे आप अपने को पूछते हैं वैसे हम भी किसी को पूछते हैं, उनका भी एक स्थान है और वो दिलों में है। बच्चों, वो हमारे विश्वास में है, तो आप उन्हें खत्म नहीं करने की कोशिश करिए, आप उस आस्था को सहयोग करके और मजबूत करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप इन्हें खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बरसों ही नहीं सदियों से यहाँ पे क्या है, बैठे हुए हमारे दिलों में है। हम उनसे अथाह कह सकते हैं, अथाह रूप से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। आज जब वो उस स्थान पर विराजमान हुए, उन्होंने उस उच्च स्थान को प्राप्त किया ना, तो लगा हमने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया।
तो बस इतना ही बच्चों कि हम सब लोग मिलजुल करके रहें, क्योंकि एक विरासत जो हमारी कहीं शायद पीछे जा रही थी आज उसने अपने आप को आगे किया है। आज ये 100 करोड़ हिंदुओं के लिए एक गर्व का विषय है और हर सच्चे भारतीय के लिए एक गर्व का विषय है कि उन्हें उनकी विरासत से रूबरू कराया गया। आगे एक महान मंदिर के रूप में तब्दील होगा, परिवर्तित होगा, लाखों श्रद्धालु रोज आएंगे, वो अपनी जगह है, लेकिन आज का दिन महान है बच्चों, ठीक है। मैं अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया, इसे आज मैं प्रस्तुत करना चाहता था ताकि आप ये समझ सकें बच्चों कि हर भारतीय को, हर भारतीय जो राम जी में आस्था रखता है, जो कोई भी राम जी में आस्था रखता है, जो इस भारतीय विरासत में आस्था रखता है, उसे हर हाल में राम जी में भी आस्था होगी। आज हर वो भारतीय क्या होगा, खुश होगा। बच्चों बस इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप सभी लोग खुश रहें, एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, एक नई विरासत जो है वो आगे बढ़ रही है। ये एक ऐसी विरासत हो जहां सब लोग मिलजुल करके रहें, क्योंकि हमें वो आराध्य फिर से अपने उस मंदिर के रूप में विराजमान होकर के प्राप्त हो गए, तो हमें कोई शिकायत नहीं है। बस चीजें क्या है, आगे और बेहतर तरीके से बढ़ें, एक सामंजस्य हो, एक एकता हो, मन के बैर को दूर करके हम सब मिल करके इस भारत को क्या बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, ठीक है। ये किसी पर वार नहीं है, ये सिर्फ अपनी उस विरासत की प्राप्ति है जो हमारे दिलों में बरसों से थे, लेकिन वो हमारे दिलों में रह करके उस तिरपाल के नीचे बने हुए थे। तो हर भारतीय का कर्तव्य था कि उन्हें उनका स्थान दिलाया जाए, और आज को स्थान वो प्राप्त कर चुके हैं। मैं फिर कहूंगा बच्चों, जब मैं पहली बार अयोध्या गया था तो इन आंखों में बहुत 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 आंसू था, बहुत दर्द था, यहाँ के नेताओं को लेकर के बहुत क्षोभ था कि हम जो 100 करोड़ हिंदुओं के आधार हैं, वे एक तिरपाल में क्यों हैं। और आज जब उन्होंने अपना स्थान पा लिया है ना, आप देख रहे होंगे इस स्थान पर वो विराजमान होंगे, तो फिर आज हम धन्य हो गए बच्चों, धन्य हो गए। हम किसी पार्टी की बात न करते हुए बच्चों सिर्फ इतना कहेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है बच्चों, ये मान्य होना चाहिए, और सभी लोगों को इसके नीचे रह करके, इसके अधीन होकर के इसे कहीं कहीं अपनी मान्यता देनी चाहिए। यहाँ राम जी इस देश के आधार पे हैं, उसे आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था में बसते हैं। बच्चों हमेशा खुश रहें, आज की खुशी का दिन है, आज फिर हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। आज शाम को आपका बैच जो है वो नहीं रहेगा, और आराम से आज खुश होकर के सोचें, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आज का जो दिन होगा वो दर्ज किया जाएगा। बच्चों हमेशा खुश रहें, बच्चों हमेशा खुश रहें, और ये खुशी हमेशा बनी रहे। थैंक यू।